नमस्कार, न्यूज वर्ल्ड इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सृष्टि राय। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं छत्तीसगढ़ की बड़ी खबरों के साथ, जहां रायपुर के बाद दुर्ग और बिलासपुर और रायगढ़ समेत छत्तीसगढ़ के कई शहरों में डेंगू तेजी से फैल रहा। अलर्ट जारी करने के बाद भी स्वास्थ्य विभाग गंभीर नहीं दिखाई दे रहा। हालत यह है कि प्रदेश भर में अब तक 800 से ज्यादा डेंगू के मरीज मिल चुके हैं। वहीं डेंगू मलेरिया की रोकथाम के लिए स्वास्थ्य विभाग और नगर निगम हर साल 10 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च करते हैं, इसके बाद भी मच्छरों से निजात नहीं मिल पा रही। कांग्रेस 2 अक्टूबर से प्रदेश के सभी 90 विधानसभा सीटों पर एक साथ भरोसा यात्रा निकालेगी। जी हां, नेताओं को अलग अलग क्षेत्रों की जिम्मेदारी सौंपी गई है। यात्रा के जरिए विधायक और नेता जनता को राज्य सरकार की उपलब्धियां बताएंगे। वहीं 4 अक्टूबर को प्रियंका गांधी 15 दिन में दूसरी बार छत्तीसगढ़ दौरे पर आ सकती है। बताया जा रहा है कि छत्तीसगढ़ सरकार ने बीते 5 सालों में जनता के लिए क्या क्या काम किया, इसकी पूरी जानकारी यात्रा के जरिए दी जाएगी। शुक्रवार को सुबह से रात तक चली बैठक में ये फैसला लिया गया है। रायपुर में त्योहारों के दौरान खराब सड़कों को लेकर के शुक्रवार को भाजपा पार्षदों का गुस्सा फूट पड़ा है। जी हां, पार्षदों ने नगर निगम मुख्यालय से सीएम हाउस तक पैदल मार्च निकाला। इस दौरान पुलिस ने ओसीएम चौक पर बैरिकेटिंग कर उन्हें रोक दिया, जिसके बाद नाराज पार्षद वहीं बैठ गए और नारेबाजी शुरू कर दी। महिला पार्षदों और पुलिसकर्मियों के बीच धक्का मुक्की भी हुई। वहीं रात 8 बजे भाजपा के पार्षद दल का प्रदर्शन जारी रहा। इस दौरान पार्षद मुख्यमंत्री निवास तक पहुंचने की कोशिश करते रहे। भाजपा पार्षदों ने आकाशवाणी चौक में स्थित काली माता के मंदिर में जाकर प्रार्थना की। इसके साथ ही मंदिर में ही ज्ञापन देकर अपना प्रदर्शन खत्म किया। विधानसभा चुनाव के मद्देनजर शिवसेना ने शुक्रवार को छत्तीसगढ़ में प्रत्याशियों की पहली सूची जारी कर दी है। पहले चरण में पार्टी ने 20 प्रत्याशियों के नाम की घोषणा की है। इसके साथ ही छत्तीसगढ़ शिवसेना के प्रमुख धनंजय सिंह परिहार ने इस दौरान घोषणा पत्र जारी करते हुए इसे दल का वचन नाम बताया है। जशपुर जिले के कासाबेल बगीचा मार्ग पर भारी संख्या में ग्रामीणों ने चक्का जाम कर दिया। काम के लिए तमिलनाडु गए मजदूर की मौत के बाद जैसे ही उसका शव ग्राम बटई केला पहुंचा, वैसे ही लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। मामला कासाबेल थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है। ग्रामीणों का आरोप है कि तमिलनाडु में मजदूर की मौत नहीं बल्कि उसकी हत्या हुई है। इस मामले में गांव वाले FIR दर्ज करके जांच की मांग कर रहे हैं। इसके साथ ही मौके पर पहुंचकर पुलिस ने मामले में 2 आरोपियों की गिरफ्तारी की और जानकारी दी कि जब लोगों को दी गई जानकारियों के साथ बताया कि तब जा करके लोगों ने वहां का चक्का जाम जो था वो खत्म कराया और वहां से अपने अपने घर के लिए रवाना हो गए। वहीं पुलिस आगे की कार्रवाई में जुट चुकी है। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। देखते रहिए तमाम बड़ी खबरों के लिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।